ग्रीन हाइड्रोजन हब। राज्य के बजट प्रस्तुति के दौरान केरल के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी। राज्य सरकार इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। यह हब कोची और तिरुवनंतपुरम में स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना को निजी भागीदार इंडिया हाइड्रोजन अलायंस के साथ लागू किया जाएगा। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन हब? यह योजना हरित हाइड्रोजन संयंत्रों का निर्माण करेगी जो प्रतिदिन 60 टन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। यह संयंत्र 150 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्थापित किया जाएगा। केरल हाइड्रोजन हब परियोजना को भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट माना जाता है। यह पहली बार है जब भारत में इस तरह की परियोजना शुरू की गई है। दूसरे देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन हब को हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्या है हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट? हाइड्रोजन हब योजना देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली हाइड्रोजन वैली परियोजनाओं पर आधारित है। हाइड्रोजन घाटी मूल रूप से एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां हाइड्रोजन उत्पादन पर काम करने वाली कंपनियां एक साथ मिलकर हाइड्रोजन संयंत्रों का निर्माण करती है। इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण आदि की सभी सुविधाएं मौजूद है। अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया में हाइड्रोजन वैली परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नए इन न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।